सोनिया ऐसु थारी लुगाईरी रक्षा करिए। मोथा नुआ चौड़ा गंदा कर दियो। सांवरी सांवरी उठ बावली उठ, फेरारी घड़ी आएगी। छोरी भारी घड़ी होएगी। काकी आज बोझो उतर जासी। David, greetings from the Pink City. Warm days and cool nights in Rajasthan, just the right climate to embark upon my research for the characters of this fascinating story. My old college friend Ravi from Jaipur has offered to take me around and act as my interpreter. Wish me luck, Amy. आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का घरों धन्यवाद। आप लोगों का हाथ जोड़ धन्यवाद। एक बार फिर आवश्यक ही हुआ मन्ने। कब से रिक्शा चलाते हो? 11-12 साल हो गए हुकुम। जयपुर के रहने वाले हो? नहीं, नजदीक एक गांव है हुकुम, दावड़ी। वहां किसी सांवरी देवी को जानते हो? सांवरी देवी वहां तुम्हारी लुगाई है हुकुम। नाम क्या है तुम्हारा? सोना। That chance encounter with Sohan puts us on the right track in search of my protagonist to a village of the main highway in the deep interiors of this desert land. We're stuck. Shit. Is it really bad, Ravi? Yeah. Excuse me. भाई साहब रुको। डाबड़ी ले चलोगे? ले चाल सा। 100 रुपया लाक्षी। कितना? 100 रुपया। $100. Any opportunity to fleece a foreigner. Well, I knew your cabbies are no better. Dawdi, kyun jaano hai? Ye Rajasthan par kitab likh rahi hai. Rajasthan par kitab likh rahi hai. To Jaipur jao, Jodhpur jao, Jaisalmer jao. Acha raja hai, maharaja hai, killa hai. Dawdi mein kai rakhyo hai. Bas ek raan saavri. Us par pustak likhenge to Saraswati krodhit ho jayenge. Aapka parichay? Ae Mangal Panda ji hai. Ae bhi main raan re jhoote jaal mein phas gaya tha. आखे उतरो। We're here. What? What does it say? Every woman has the right to love, dignity, and respect. Ironic, isn't it? Especially here. India is a land of contradictions. वीणा जी चुनाव जीत गया है, एक दिन चाला माड़ा वड़ा पहराने हैं। जरूर चाल से, हाँ अपना आदमी है, वे नहीं होता तो गुजरारी नाक कट जाती। नाक वारांड तो कुछ और ही काटने के चक्कर में ही। Do you want some tea? No, thank you. भाई साहब यहाँ सावरी देवी का घर कहाँ है?
देवी क्या की रांड है जुठी रांड पण थाने कई काम में भी से ये मैडम विलायत से आई है वहां अखबार में पढ़ा था उनके बारे में मुंडो काड़ो कर दियो देश को सारी दुनिया में मुकदमा तो हार गई थी पण मारो ताऊ तो मर गयो सदमो बैठ गयो तो कोर्ट कचहरी को कौन थे आपके ताऊ जी सरपंच था इस गांव रा पूर्णिया गुज्जर सुनो सावरी देवी का घर कौन सा है काकी रो घर बट्टी नहीं है धोरो रे कने That's a change. Why? What did she say? She's the first person to show her any respect. It's over there. सावरी देवी है? जी हाँ, है. She's inside. माई, थार से मिलने मेहमान आया है. नमस्ते. नमस्ते. मेरा नाम रवि है और ये है एमी. लंदन से आई है आपसे मिलने फिर भी राजू मैं जानू थे कहीं सोच रहा हूं कोई खरीदे को नहीं पर कहीं करूं बस सारी आदत है आगे बेटा सौरव सुखी रहे बेटा हम तो क्या चले शहर में ठीक ही चले बापू कमली जयपुर में शीत भी तो कोनी पड़े गुलाबी ठंडी है माई सियालो तो अब आसी छोरा ने उतावली घनी बखत बखत री बात है सोनियारी माँ कुम्हार रो बेटो रिक्शो खींच रे पेट पड़े माई थारी ओढ़नी ला बेटा और बापू थारी तमाकू ये ले तमाकू अच्छे लम ए कमली ए यहाँ ले ये थारी पढ़ाई री किताब और ये थारी इतनी कड़ी मेहनत री कमाई अहिया लुटानी ठीक है काई लुटानी और काई बीनरी निताई चूड़ियों छोरी निताई किताबों ये सब फालतू खर्चा करन री काई दरकार है थारी छोरी तो पंडोड़ी है जल्दी मुकड़ा हो जासी सासरे में पढ़ाई काई काम आसी बापू जमाना बदल गयो है आ तो छोरो वे चाहे छोरी पढ़ाई बहुत जरूरी है सावरी बैठ हाथ ले थारू और खर्चो क्यों करे इसे चोखो तो थारे वास्ते सूटर ले आता सियाड़ा में गरमास दे तो गरमास तो तने गले लगान से मिले है बावली दो दो टावर हो गया फिर भी गेला पड़ा री बाता करो सांवरी मारे हफ्ता भर की थकान तारी गोद में मिट जावे रात घनी होएगी सवेरे बैग उठनो है नाम है खारा पन्ना किसे गाँव रे झालर ना सावे अच्छा सामान रख और अंगूठा लगा अनाज दे इसको चल आगे बढ़ गंगाराम पावड़ा रख अंगूठा लगा
अनाज दे रहे, धनिया केले 10 रुपए। चल सावरी सामान रख, अंगूठा लगा। अनाज लेगी कि पीसा? पीसा। एले 9 रुपए। 9 रुपए कई हिसाब सु? सरकारी हिसाब सु, और कोई हिसाब कोनी चले है सर्वे सिंगरी साइड पर। 3 गज भराईरा कितना होवे? 11 रुपए या 3 किलो अनाज। तो ले 11 रुपए। 3 गज भराई की हो तो दू ना। एक तो काम चोरी करती है, ऊपर से पैसा मांगती है, हिसाब मांगती है। मैं काम चोरी को नहीं करूँ, थारो आदमी नपाई में चोरी करे। अरे नपाई हिस्से होती हिस्से, तू क्या जाने अंगूठा छाप? अरे कहीं कर रही है? पूरी 3 गजरी है, इसु ना आपके बता। अरे अरे बंद कर ले तमाशा, बंद कर। ये ले 2 रुपए पकड़, हो जाना 2-11। घड़ी खम्मा सा राम राम संता भाई। राम राम। आ बैठ चंपा। आई माँ जी। दूध ले आ, सांवरी आई है। अखा ती जा रही, दोन छोरियों रो ब्याह नक्की कर दियो है। पर छोटकी तो 2-3 साल रही है, पर बड़ी तो 8 रही होगी। दोनों साथ ही निपटानो है। बहुत बहुत बधाई हो। कोरी बधाई सु, काम को नहीं चाले कुमारन। 2-2 ब्याह है, मटका घना लाक्सी। फिकर मत करो हुकुम, ते जितना क्यों उत्ता बना देसी हूँ। कांता भाई, थारी बीननी बहुत चोखी है, मारी नजर लाग जासी। अच्छा चालो। सामरी देवी हैं? हाँ, कई काम है। मेरा नाम शोभा है, मैं जयपुर से आई हूँ। पधारो। तुम ही सामरी हो? तुम्हारी ओढ़नी की लंबाई तो जयपुर तक पहुँच चुकी है। मैं समझी कोनी, थे बिराजे ना। यहाँ बैठो। नहीं ठीक। मैंने पन्ना से ठेकेदार वाला किस्सा सुना है। हमारे साथिन प्रोग्राम को तुम्हारी जैसी साहसी औरत की जरूरत है सामरी। मैं कहीं कर सकूं बहन जी? देखो, गांव से स्त्री शिक्षा, बाल विवाह जैसी बुराइयों को मिटाने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। पर टाबरा के ब्याह में कहीं बुराई है? मारो ब्याह हुआ जब मैं 4 बरस की थी, मारी छोरी भी पढ़ने उड़ी है। बहन जी, बालपने में छोरा छोरी रो ब्याह हो जावे तो माँ बाप री चिंता मिट जावे, खर्चो भी बचे। छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाने से उनका बचपन उनसे छिन जाता है, उनके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है, और कम उम्र में माँ बनने से उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पूरा जीवन उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर आ तो पुरखा सु चलती आई रीत है। यही रीत तो बदलनी है सांवरी। काई बात करो बहन जी, ते पढ़िया लिखा हो, तारे कने फुर्सत है। मैं हमारी गृहस्थी में सोरी सुखी हूँ, मारे कने नेतागिरी वास्ते टाइम कोनी। अच्छा चलो, वैसे सरकार इस काम के लिए 250 रुपया महीना देगी, तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार जरूर करना। ठीक है, अभी चलती हूँ। एक अमली, तने तो लिखनो आवे, मने भी सिखा। माई कहीं लिखना चाहे है? मारो नाम। माई रुक, लिया मारो हाथ पकड़। सा 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 में आरी मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, सा सा व व र र
रवे ऊपर बड़ी मात्रा री सावरी सावरी चोखो लागे सावरी सोहन सोहन है कहीं घर में कोई मिनक को नहीं सासू जी ससुरा जी मिंदर गयोड़े और वे जयपुर पधारो भैया जी घर में सगड़ा ठीक तो है समधन मारो छोरो ताव में तपरी है तेज बुखार है हे भगवान डॉक्टर ने दिखायो कहीं कमली ससुरा जी ने धोप दे जीती रहे भाई मलेरिया बताया है इलाज में पीसा लादसी सोनी ने कीजो थोड़ी मदद कर दे जी कैसी हो अच्छा चालू जिम के जाओ नहीं जल्दी में हूँ कितनी निर्दयी है थारी सासू कितो काम करावे अरे ओढ़नी काय निचोड़ रही है मिश्री मारो कार जो निचोड़ रही है आगे कट है मारी कमेड़ी आज हमारे कने की रोती पौधे सू अरे मर्द और मकोड़ो पकड़े पछे को नहीं छोड़े आज तो छूट गई अगली बार को नहीं छोड़ू बचत तो कहीं है कोनी ना तो जेरी मदद किया करसी तीजी रो समाचार सुन मारो तो जी बैठ गयो कठे अपनी कमले उल्टी सीधी बात मत सोच भगवान सब ठीक करसी थे बोलो तू शोभा देवी रो प्रस्ताव मान लियो बहन जी मने थोड़ा पीसारी जरूरत है देखो सामरी पेशकी देने का कोई सरकारी नियम तो है नहीं अच्छा ऐसा करते मैं अपनी तरफ से अभी तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ बाद में तुम्हारी पगार से काट लूँगी हाँ बहन जी बड़ी मेहरबानी ठीक है चलो गुड
साथनो, आज की जाजम में मैं आपका परिचय अपनी नई साथिन से करवाती हूँ, डाबड़ी गांव की सांवरी देवी। हमारी संस्था की परंपरा के अनुसार मैं सांवरी देवी को मिस्री केस की जिम्मेवारी सौंपती हूँ। हर नारी का है अधिकार मिले मान सम्मान और प्यार। हर नारी का है अधिकार मिले मान सम्मान और प्यार। हर नारी का है अधिकार मिले मान सम्मान और प्यार। ले तंगो थारो नाम साथिन माने साथिन को मतलब है फ्रेंड। साथिन को मतलब है फ्रेंड। साथिन को मतलब है फ्रेंड। कहीं तू तो जिया रहते गेला। अब तक तो तू सिर्फ हमारी साथिन थी, आज से पूरे गांव री होगी। हां ऊंदरी ने हल्दी री गांठ काई मिल गई, पंसारी बन गई। इज्जत नहीं मिटाने देंगे, इज्जत नहीं मिटाने देंगे। बुरिया मीना बुरिया मीना बुरिया मीना बुरिया मीना बुरिया मीना बुरिया मीना बाहरा बुरिया मीना बाहरा। लक्ष्मी कहीं रोने बच्चों है, जल्दी से दरवाजा बंद कर। क्यों था अपना लेकर बाहर नारा लगा रहा है? मेरा जल्दी से दरवाजा बंद कर, जल्दी कर। पंटी क्यों गई? तू घड़ी पंचायती मत कर, पहले दरवाजा बंद कर। रुको, बुरिया ने बुलाओ। कहीं हो मिस्ट्री सू छेड़छाड़ की, अपमान क्यों है? माफी मांगनी पड़ती। बुरिया मीना मांगो माफी। नहीं जागी दुनिया जागी। बेटो घर में कौन है? मैं मांगो हूँ माफी बारी तरफ से। ना ना अरे देखो देखो गजड़ो भाग रहे, पूंछ दबाए। ढलर पंचायत रा पंचगण और गांव रा सगले गुजर मीना भाई बंधु, आज री पंचायत में मारे बुलाने पर डावरी गांव रा सरपंच पूर्णिया गुजर और बारा भतीजा तेजगंज जी पधारिया है। पिछले दिना ये गांव रे माने जो घटना हुई, इसी घटना आज तक नहीं हुई। सरपंच जी जिया ये काचरो बीज सौमन दूध ने बिगाड़े है, बिया ही थारे गांव रे कुंभरण मारे गांव रे माने आर सगली लुगाई ने भड़काने की कोशिश कर रही है और सरकारी झंडो हिलार हल्लो मचावे है। हे सब लोग देख लो, जो वर्तमान मारे सागे आज होयो है कल थाने सागे भी हो सके है। और घर री लुगाई हो शेर हो जासी सो अलग। मैं सब समझ गया। थाने आगे सुई ऐसी शिकायत रो मौको कोनी मिले। तेज करन बाबा, भैंस बिदके नहीं तो खूंटे से बांधनी पड़े। राम राम। सावरी ब्यारे घर में गीत शुरू हो गया, मारा मटका कट है। मैं माफी चाहूं संता भाई, पर अब टाबरा रा ब्याह वास्ते मैं घड़ा कोनी बनाऊं। क्यों कई बात हो गई? और रिवाज ठीक कोनी और कानून रे भी खिलाफ है। अठावी उपदेश झाड़न लागे कुमारन। थे गलत मत समझो हुकुम, पर कच्चा घड़ा मा पानी और कच्चे उम्र में ब्याह दोनों से माटी खराब ही होवे। तीजी नहीं देख लियो, बालपन में ही बेचारी रांड हो गई। काई बोली? प्यारे घर में सुगन बकिया जा रही है। नी जात निकल सचू निकल। जमारा ने चाची बोल दियो तो तगा में चल जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्यय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
चौतरफा डंके बज रहे हैं थारी बहुरानी के। साथिन बन गई है पंडा जी। शंभू, पिता रक्षत कौमारिये, भर्ता रक्षत यौवने, वैधेक्यम पुत्र पौत्रैश्च न स्त्रीं स्वातंत्र्येत अर्हति। अर्थात शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं है, समझे? सोनिया। हाँ बापू। थारी माँ 60 बरस की होने आई, पण कदे ही घर की चौखट नहीं लांगी, क्यों सुगनी? कुल की शोभा पूत है और घर की शोभा नार। हाँ, यह बात थारी लुगाई ने भी समझा। पहली को मुझे बापू। पहली क्या की? जेठे जाऊं उठे एक ही बात, थारी लुगाई गांव गांव सरकारी झंडा लहराती डोले। सरकार पैसा भी तो देवे। अरे चूल्हा में बाढ़ ऐसा पीसा ने, घर संभाल थारो। मारी मान, नौकरी छुड़ा दे। नौकरी कौन छुड़ा दू बापू, सामरी कोई खोटो काम तो करे को नहीं। ठीक है, तू जान और थारी लुगाई जाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोट समप्रभ निर्विघ्नम कुरमे देव सर्वकारिष्ठ सर्वदा मंगलम मंगलम। चुप हो जा लाली, रोवण सु भाग को नहीं बदले। ओम गजाननम भूत गणाधि देवितम कपित्थ जंबु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बंद करो रे, ये बंद करो, तुम्हारी नोटिस के बंद करो। ए बंद करो, ये तुम्हारा गोरख धंधा, चलो रे गिरफ्तार करो इन सबको। काय गलती हो गई हुकम? के गांव रा सरपंच हो जानो कोनी के, बाल विवाह करना कानूनन जुर्म है। कानून तो अब बनियो है, आ परंपरा तो पुरखों से चली आ रही है। आखा तीजरो साहो है, कोई नई बात तो है नहीं। ते तो राजपूत हो, ते तो सब जानो हो। ए मारे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता तेजकरण, वो कलेक्टर साहब का हुक्म हुआ है। तामील तो करनी पड़ेगी। तामील फिर कर लेना, थे मारे घर पधारिया है, पहले आ रोगो। अंग्रेजी है। अरे बोला ना, मैं ड्यूटी पे हूँ यार, समझा कर। ठीक है साथ ले जाना। प्रेमसु, एक पूरी बोतल थैली में डाल देना। ठीक है। देखो रे, तुम लोग गाड़ी में जाके मेरा इंतजार करो, जाओ। देखो जी, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, तुम भी कर लेना। पर हुकम एक बात बताओ, ओ विगन पड़ियो क्या? वाह जी वाह, चे जाओ सरपंच जी, चे जाओ। शिकायत थारे गांव से ही आई है। चालू मुंह मत रख, कादे में भाटो फेंको तो छीटा आपने लागे। सुन लो गावरा लोग, अरे सरपंच रो हुकुम है, गांव में कुमारन रो आज सो हुक्को पानी पान, ना कोई ने दूध देसी ना पौने। माफ कर दो हुकुम, लुगाई री जात है। लुगाई जात है तो घूंघटे में रख। चलो चलो भाई चलो। आ,
देख जेठा, लुगाई तो जबरी है, दो कोस दूर सु पानी लाई है। लोगों ने हुक को पानी बंद कर दियो, गांव वालों ने काबरा ने दूध को नहीं मिले। हीरा कई दाम है? दुधारू भैंस है कुमारन, गद्दी कोनी। अरे भैया आप दाम बताओ ना। 2000 रुपया रोकड़ा। अरे पर ठीक है, हम ले लेते हैं। 2000 रुपया रोकड़ा इन्हें दे। लो भाई 2000। और रसीद बनाओ। अभी देऊं रसीद। बहन जी मैं थारो कर्ज क्या उतार सी हूं? साथिन का मतलब समझती हो ना? चल चल। तो थारी घड़ी फूट रही है सांवरी, बिल्कुल थारी जैसी। अच्छा। अरे कमली लोटो दे। कितना दिन दूध देसी? भैंस को एक कान छोटो दिखे। कान छोटो कोनी सोनी आरी माँ, थारी एक आँख छोटी है। की मत करो रे। सुना जा, पैरेडो दूध मिंदर में चला करा। कठे सु आ रहे हो महाराज? सांवरी के नई भैंस को दूध, भगवान को भोग लगा के आ रहे हैं। बड़ी तरक्की कर रही है ये कुमारन, सारे गांव में मस्त होकर घूमेगी उसकी भैंस। करवा लिया बंद दूध? माफी मांगना तो दूर, अंगूठा दिखा रही है रांड मां सबने। बिलनी मान ले जा छोरी ने। लता रबूत बातां सु मानने कोनी। सावरी मैं सोचू हूँ रिक्शा छोड़ के अठे खेती बाड़ी कर लूं। अठे अठे कहीं उगसी? अरे नहीं, रावण वाली है, मूंगफली की खेती हो जासी। इमें खर्चो चल जासी? थोड़े घड़ा बेच, मूंगफली बेच, गुजारो हो जासी। पर थारी साधनी तनखा भी तो है। सांवरी शहर में थारे और टाबर अपना मारो जी को नहीं लागे। ले बांध, मैं निबटी हूँ फिर घरे चल से। हमारी जमीन पे हम उतरी हो भेड़ चोत,
उठा भड़वे ने नेता की दी असली बतादरी चल पड़ेगी वो देख ताई नुबाई ने बचा सके तो जब जो रेंसो landscape, colorful attire, picture postcard beauty, but scratch the surface and find the dark realities of casteism, chauvinism, and exploitation. Savi Devi has given me some great material to work with, something a literary agent like you would die for. P.S. On the lighter side, it's been fun getting to know Ravi all over again. Amy. अब आपने काई बताऊं हुकुम? सारी रात आंखें में काटी, आंसू भी सूख गया,
बा महा लोगां री जिंदगी री सबसे लंबी काली रात थी। साइकिल निकालो कट जाना थाने। कब हुई रे ये वारदात? काल संजय ने हुकुम। कौन गांव है तेरा? दाबड़ी। कौन जात हो? कुम्हार है हुकुम। अरे सड़ो, क्यों गुजरों से टंटा मोल लेते हो तुम लोग? गांव में कोनी रहनो के? या कहीं बात हुई हुकुम? हमारी लुगाई री इज्जत लूट गई। अरे कौन सी कच्ची कमली है तेरी लुगाई? देखो अब ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ, अब सब भूल जाओ। मने रपट लिखानी है। ए, बावली हो रही है कहीं? अपनी औकात में रह। देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि राजीनामा कर लो। अगर बोलोगे तो हरजाने के तौर पे थोड़ा सा माल मत्ता भी दिलवा दूंगा मैं। कोनी करनो राजीनामो, तो लिखो मारी रपट। हर रपट रपट लगा रखी है, ऐसे रपट नहीं लिखी जाती। पहले डॉक्टरी जांच का सर्टिफिकेट लेके आओ, है क्या तुम्हारे पास? हाँ, ये बलात्कार का मामला है, बलात्कार का। पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर रपट के बारे में सोचेंगे। चलो निकलो, उठो उठो उठो, चलो चलो निकलो, चलो। छूटी के भी पर निकल आए, हिम्मत तो देखो रांड की। तो तुम्हें बलात्कार का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? तो भीतर जाकर टेबल पर लेट जा। ओ भाई तू किधर जा रही है? तू अटे बाहर बैठ, बाहर बैठ अटे। डॉक्टरनी भाई को नहीं? नहीं, हटे तो बस मैं ही हूँ। चल अब घाघरा उठा और टांगे चौड़ी कर। थारे सुनी करानी जांच। क्यों, शर्म आती है तेरे को? और जब बलात्कार ने जांच की तब शर्म नहीं आई? देख अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो जांच करानी पड़ेगी। चलो अठे सु कहीं हो रहे? देख भाई मारा ख्याल सु जनाने की जांच कोई डॉक्टर नहीं करे तो बेहतर है, तू इन्हें जयपुर ले जा। I got a call from Samri. I was very disturbed. I told her to take the next bus to Jaipur. We met at the old Balaji temple, and while Sohan waited outside, she showed me her wounds.
पांच जना मिलके याने लाठी से कूटे। मैं गई तो तीन जना मने झपट के दबोच लियो। ओ गॉड, एक रे बाद एक दो जना मारा पर चढ़िया। मारी काई हालत करती बहन जी, चूड़ियां टूट के गर गई। देखो मैंने किया नोच रहे, सब जगह नील पड़ गई। तो पहले बहुत देर हो चुकी है, ऐसी हालत में डॉक्टरी जांच कराना बहुत जरूरी है। चल चल देखिए मैडम, ये रेप केस है, कोर्ट ऑर्डर के बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। पर डॉक्टर साहब, शी इज इन पेन, और इनकी हालत देखिए, इनके सर पे कितना गहरा घाव है। आई एम सॉरी, आई हैव टू फॉलो गाइडलाइंस, पर हाँ इनकी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक क्या हूँ, कितनी जोर से लगी है। अरे नहीं, इट्स ऑलराइट, आप पट्टी करवाइए, हम लोग कोर्ट ऑर्डर लेकर आते हैं। ठीक है, चलो सामरी। एक्सक्यूज मी, हमें मैजिस्ट्रेट साहब से मिलना है। काहे काम है? एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए। कल आना। कल क्यों, अभी अभी कोर्ट बंद होने में आधा घंटा बाकी है ना। हाँ तो कोर्ट बंद कहाँ हुआ है, मैं बैठा हूँ ना अभी, सिर्फ मजिस्ट्रेट सामने ही है। तो कहाँ है वो? घर गए होंगे, मुझे बताकर थोड़ी जाते। तो उनका घर का पता दे दीजिए। पता चाहिए? पते की बात तो ये है कि मैडम को घर पर विजिटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन मैडम? अरे वही मजिस्ट्रेट साहब की मजिस्ट्रेट। देखिए भैया जी, हम वहाँ कोई सोशल विजिट के लिए नहीं जा रहे हैं, ये रेप केस है, हमारे लिए कोर्ट ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है, आप उनका एड्रेस दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा जी, घनी देर हुई गई, वे उड़ीक रहा हो से। बस अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सामरी, अभी हो जाएगा। ये लो, लो लो, आ जाओ। मैजिस्ट्रेट साहब घर पे हैं? हाँ है, आइए अंदर बैठिए। अच्छा बैठो। कहिए। सॉरी टू बॉदर यू एट होम सर, एक इमरजेंसी है, कोर्ट ऑर्डर चाहिए था। क्या हुआ? ये सामरी देवी हैं, पास के। प्लीज नो मोर विजिटर्स डार्लिंग, चैरिटी प्रीमियर है, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, वी कांट बी लेट। पर सर ये रेप केस है। रेप तो आए दिन होते रहते हैं, एनिवर्सरी साल में एक ही बार आती है, लेट्स गो। सर वो मेडिकल चेकअप के लिए कल सुबह कोर्ट आ जाइए, रिपोर्ट तो कल ही मिलेगी, अब रात जयपुर में ही काटनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को अपने घर ले जाती, लेकिन आज ही जोधपुर से मेरे सास ससुर आए हैं, वरना तो। फिक्र ना करो बहन जी, मैं लोग रिक्शा स्टैंड पे ही रात काट ले सा। नहीं नहीं, पर सामरी ऐसी हालत में वहाँ कैसे रहेगी? मैं महिला थाने में इसके ठहरने का बंदोबस्त कर देती हूँ, वहाँ ये सुरक्षित भी रहेगी। जो तो ठीक समझो। आ गई आप? मम्मी पापा ने खाना खाया? आपके भरोसे रहते तो उपवास ही करते। I'm sorry, मैंने फोन तो कर दिया था। अजीब तरीका है ये, मम्मी पापा हमारे पास साल भर में दो चार दिन के लिए आते हैं, दिन भर इंतजार करके वो अब सोने चले गए। मैं पूछता हूँ ये कैसी समाज सेवा है जिसमें घर वालों के लिए कोई जगह नहीं। वो सामरी का मेडिकल चेकअप आज ही होना जरूरी था, उसी की दौड़ धूप में सारा दिन। ऐसा क्या रिश्ता है उससे?
शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी वजह से वो साथिन बनी है. इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ. तो उसे लाकर रख दो ना यहाँ घर में. बना दो घर को महिला आश्रम. त्रिलोक, हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव. तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं है उसके साथ. यही समाज शास्त्र पढ़ाते हो तुम. मैं इतना जानता हूँ कि घर परिवार पहले, समाज और उसका शास्त्र बाद में. अच्छा, अभी रहने दो इस बहस को. मम्मी पापा सो रहे हैं. मैं कल सुबह उनको सारी बात समझा दूंगी और सॉरी भी बोल दूंगी. ओके. किसकी जाल थी? आप ही किसी. कौन जाते है? कुम्हार. ओहो, रहीमन चाक कुम्हार कर, मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डारी के, चहे नांद ले ले. कृपया संदर्भ सहित व्याख्या तो कीजिए. अच्छा, कवि कहता है कि कुम्हार का चाक मांगने से तो दिया भी नहीं देता, पर छेद में डंडा डाल के घुमा दो तो मटका भी मिल जाता है. अर्थात सारी लीला डंडे और छेद की है. कितने आदमी थे? महिला थाने में शर्माने की क्या बात है? बोल. अरे बता साहब ने कितना जना चेटिया. पांच जना. अन्याय क्यों हुकुम? अन्याय? बड़ी मासूम बन रही है री. अरे किस्मत वाली है, पांच पांच. अपनी तो जिंदगी गुजर गई, एक ही से गुजारा करते करते. ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, संभाल के रख लेना. भी चलता तो जरूर चलती सामरी, लेकिन मुझे इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देनी है ताकि कार्रवाई जल्दी शुरू हो सके. तुम घबराना मत, अब FIR दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? अच्छा सोहन, संभाल लेना. हाँ. अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि जब वो थारा तथा कथित बलात्कार हो रहा था, उस वक्त तूने क्या पैर रखा था? कहीं मतलब? अरे जब वो सारे के सारे मिलके थारी इज्जत लूट रहे थे, उस वक्त तूने कमर के नीचे काई पहरा था? यो ही घाघरो थो. हाँ, पैर तो ठीक है, पैर तो थारे को ये घाघरा उतार के देना पड़ेगा. कहीं? घाघरा उतार के थाने में जमा कराना पड़ेगा अभी इसी वक्त, नहीं तो थारी FIR दर्ज नहीं होगी. अरे इस घाघरे में तो सारे सबूत हैं. चल गाड़ी इसको उतार उतार. पर दूसरों घाघरों तो है कोई नहीं. तो मैं क्या करूं? ये थाना है, कोई कपड़े की दुकान थोड़ा ही है.
चल क्या देख रही कार घाघरे के साथ? तो फिर मैं टाई पहन के जैसी हूँ? तू बोले तो मैं अपनी पैंट उतार के दे दूँ। तू क्या ले ले ये हैं? ये लो बेटे। अहा ये है असली डोला मारू की जोड़ी। वाह मटियार वाह। उस वक्त तो अपनी लुगाई की इज्जत बचा नहीं पाया और अब लाज ढकने चला है। ढकले ढकले ए जल्दी खोल जल्दी आगना छोड़। हाँ घाघरा उतार। हाँ उतार। हाँ ले जमा कर। हाँ हो जाएगा जमा। ये ले पहले तू अंगूठा लगा। ओहो ऑटोग्राफ हो गया रे थारा तो कल्याण। सांवरी देवी मैडम तेरे सीधे मारी। ज्यादा कानून मत सिखा मुझे। ये ले थारी रसीद हो गई थारी FIR दर्ज। चलो फूटो चलो चलो। देख सर जी। ए घाघरा रे ढेरिया इन्हें पूछ घाघरो कटे भुलियाई। नयो फैशन है भाया माथे री पाग डूंगा पर लपेटड़ी। घुगनी देख कुकरा ने मारे वास्ते और कितो अपमान सहसियो। वो सब काई हुई क्यों भीनड़ी बन के ये घर में आई अठे मारो सुहाग चमक्यो मारी कोक पली मैं मैली हो गई। बाबू रोड़ी की कहीं? अरे तू तो मारू हिबड़ूरू ये थे जो भी होए मारी आंखों के सामने होया ये मैं थारो कहीं दो दोस्तों मारो तारी लाज कूड़ी वजह से दिखा रहे क्या मत बोलो शांत हो जाइए शांत हो जाइए। ध्यान से सुनिए MLA साहब क्या कहना चाहते हैं। मेरी प्यारी बहनों शोभा जी ने मारे को सारी बात बता दी है। सामरी देवी तो मारे चुनाव क्षेत्र की महिला है और मन में गर्व है कि सामरी देवी ने न्याय के वास्ते कानून और दरवाजो खटखटाया है। फूलन देवी की तरह अन्याय के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई है। सामरी देवी के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर मीना जी वो लोग तो आज भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं आप उन्हें फौरन गिरफ्तार करवाइए। शोभा जी मैं हूं ना भरोसा रखो मैं पूरे मामला की छानबीन करवाऊंगा इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा बस थोड़ा टाइम दे दो थोड़ा टाइम दे दो अपने लेवल पे तहकीकात करने के लिए। मैं धनराज मीणा आप सभी बहनों को आश्वासन देता हूं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद। धनराज मीणा जिंदाबाद। धनराज मीणा जिंदाबाद। साथी नेता जिंदाबाद। साथी नेता जिंदाबाद। साथी नेता जिंदाबाद। साथी नेता जिंदाबाद। गर्ल्स आज का पेपर पढ़ा? कल राजस्थान विधानसभा के बाहर शोभा देवी ने साथियों के साथ एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। इट्स ऑल अबाउट दैट साथिन हु गॉट रेप्ड, नहीं? सांवरी देवी, दैट्स राइट। शी इज फ्रॉम दैट विलेज नियर जयपुर। आई स्पोक टू शोभा अबाउट द केस टुडे। क्या बात है,
Once again, Mrs. Anita Kapoor strikes while the iron is hot. Timing is everything, baby. हमारी एनजीओ को ये मौका चूकना नहीं चाहिए. You know, I see this incident as a really big story. तभी छेती करो अनीता. सावरी को जल्दी से दिल्ली बुलाओ. Not yet, Uma. हमें पहले अपना फील्ड वर्क करना होगा. Tomorrow, we should take a trip down to the village. बहुत दूर है यार. रोड्स भी खराब हैं. और फिर कल कैनेडियन एम्बेसडर का डिनर भी तो है. Hey, but this trip is more important, नहीं? Right. जयपुर इस थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग ही कर लेंगे. सुने उत्थे प्रेशियस स्टोन बड़े सस्ते मिलते हैं. Honestly, Uma. Look, the point is, Shobha's expecting us. So, तुम लोगों में से जो भी चल सके, कल सुबह 6 बजे exactly तैयार रहना, okay? Sharp. Beautiful sand dunes. Hmm? It's so serene, isn't it? Yeah. The air is so clean. Delhi mein to kitna pollution hai, nahi? Beautiful hut. Main Anoop nu kahangi ki apne Mehrauli wale farm house mein aisi hut zarur banaye. Okay. Let's get serious, huh? Yeah. Namaste. Kaisi ho? Samri. ये अनीता जी हैं. नमस्ते. नमस्ते. ये दिल्ली में एक बहुत बड़ी महिला संस्था चलाती हैं. तुमसे मिलने आई हैं. और ये किरण हैं, उमा हैं. ये लोग इनके साथ काम करती हैं. पधारो. थैंक यू. अनीता. हाँ. ये सोहन हैं, सामरी के पति. अच्छा. विराज. बैठो. तुम भी बैठो. Samri, you know, when we heard about your rape, I mean, जब तुम्हारे हादसे के बारे में हम लोगों ने सुना ना, तो हमें बहुत दुख हुआ. लेकिन तुम अकेली नहीं हो सांवरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं. तुम्हारी बहनें, हम तुम्हें जस्टिस जरूर दिलवाएंगे. ओके शोभा, लेट्स डिस्कस द एविडेंस फर्स्ट. सावरी, जब रेप हुआ उस वक्त जो तुमने कपड़े पहने थे वो कहाँ हैं? घाघरो तो थाने में जमा कर दियो है, कांचली और ओढ़नी है. जरा ले आना. गंजी पहनी? नहीं, थैंक यू. बस है हमारे पास. मुझे थोड़ा. हाउ नाइसली दे कीप देयर हाउसेस ना, सो क्लीन. यस, आई लव दिस गोबर फिनिश. देखो, ये इतना वायलेंट रेप हुआ और ये ब्लाउज फटा तक नहीं. तो क्या हुआ, अभी फाड़ देते हैं. अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? प्रूफ क्रिएट कर रही हूँ शोभा. पर ये सच नहीं है. अब सच झूठ का चक्कर छोड़ो शोभा. द मीन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स द एंड दैट काउंट्स. हमें सामरी को जस्टिस दिलवाना है. दैट इज आवर गोल, इजंट इट? किरण, इसे थाने में जमा करवाओ. Hmm? और इसे भी रखो. एंड उमा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द FIR इज अमेंडेड. ओके. सामरी, तुम्हें दिल्ली आना होगा. शोभा, तुम लेकर आना. अच्छा, कैमरा लाइयो. हाँ हाँ. तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवानी है. चलो, कम ऑन, आओ. वी स्टैंड हियर. यहाँ जा. ओके. शोभा जी, आप भी आइए ना. नहीं नहीं, पहले मैं अकेले खिंचवाऊंगी. अनीता, थोड़ा लेफ्ट में हो ना. आई वांट द सैंड ड्यून्स इन द बैकग्राउंड. ओ ओके, सॉरी, कम. ऑलराइट. या, दैट्स बेटर. थैंक यू. अब तुम भी खिंचवा लो, आओ. आज बाहर ही लुगाया और झुंड आया तो गांव में कहीं कोने
सब फालतू रो हो उल लड़ा है आ कुमारण कच्ची माटी री कोनी इतनी माटी खराब होने के बाद भी अक्कल कोनी आई अक्कल सिखाने वाले आई तो थी दिल्ली से पर मने तो दाल में कई काड़ो लागे बस आते ही होंगे There he is. Hello everybody. Hello. Namaskar. Namaste. Very sorry, Anita ji. I am late. No, no, that's perfectly all right. In fact, PM called me at the last minute. Oh. I hope I have not kept you all waiting for long. No, no, it's all right. आप जानते होंगे, this is Mr. Subramaniam from the PM's office. Today we have with us representatives from the Minority Commission as well as from the Ministry of Social Welfare. As you know, our NGO works hand in glove with several ministries in the government for social causes. In fact, the cause that has brought us here today is the shocking rape of Sanvari Devi in Rajasthan. I firmly believe that this case has all the potential to create a major political storm. लेकिन ऐसे किस्से तो अखबार में रोज ही छपते रहते हैं फिर इस केस में ऐसी क्या खास बात है क्या नहीं है इसमें It shows the chauvinistic attitudes of the feudal system. इसमें sexism है इसमें casteism है Above all, it shows the failure of the government to protect and take care of its own employees. अजी मोहतरमा यही तो मौका है जब हम राज्य में बैठी हुई विपक्षी पार्टी की सरकार के लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं उनकी तमाम पॉलिसीज माइनॉरिटीज के सख्त खिलाफ है तो आप लोग कुछ कीजिए ना एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी आज तक वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई है यू मस्ट मेक श्योर दैट द सीबीआई टेक्स ओवर दिस केस इमीडिएटली आप ठीक कह रही हैं सेंटर का इन्वॉल्व होना भी बहुत जरूरी है इससे राज्य सरकार की नाक भी कट जाएगी ऑफ कोर्स वी कैन गेट ग्रेट पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट अगले इलेक्शन में बहुत फायदा भी हो सकता है लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग योर सांवरी देवी इज नॉट योर टिपिकल रेप विक्टिम शी इज अ वुमन ऑफ ट्रेमेंडस करेज उस औरत में कमाल का आत्मविश्वास है बस एक ही बात कहती है मुझे न्याय चाहिए एंड वी ऑल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट उसके साहस के लिए हम अपनी मिनिस्ट्री से एक साइटेशन करा लेते हैं नहीं नहीं सिर्फ साइटेशन से काम नहीं चलेगा शी नीड्स मॉनेटरी असिस्टेंस उस गरीब को आर्थिक मदद की जरूरत है एंड शी नीड्स इट टू फाइट हर केस इन कोर्ट दैट इज नॉट एट ऑल योर प्रॉब्लम आई कैन गेट हर अप टू 1 lakh फ्रॉम पीएम्स रिलीफ फंड आफ्टर ऑल इट इज फॉर वर्थी कास थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुब्रमण्यम नाउ आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हर टू दिल्ली यू मस्टंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बापू ने तंग मत करिए और थे लोग बराबर स्कूल जाया हूँ हाँ माई सांवरी मेरे साथ जा रही है सोहन बिल्कुल चिंता मत करना थारी हौसले बहन जी पहली बार दिल्ली जा रही है हाँ। चलो सांवरी अच्छा टाबरा रो ध्यान रखिए बारी फिक्र छोड़ सांवरी मैं हूं ना दिल्ली तक बात पहुंच गई है तुम लोग करते क्यों ऐसा है? दुनिया भर में जात को बदनाम करते हो अपनी जैसो कर्म कर सो वैसो ही भोगना पड़सी तो और काई करता है मीना जी वाह लुगाई छोटी जात होने पे भी बहुत ज्यादा अकड़ रही थी रांड मर्दारी मूछा नीचीकरण चाली अब थे ही संभालो भाई जी थे ही तारण हारो दिन भर मूछों पे ताव देने से आदमी मर्द को नहीं बढ़ाए आदमी ने रस्तों निकालना भी आना चाहिए पहले तो खोटा काम करो फिर गिग्या तो आओ हमारे पास जाओ अभी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं चलो भाई जी सुनो रही कैसी मजो तो घड़ो ही आयो सी नहीं है जाओ सब ठीक हो जासी मैं बैठा हूं नहीं धनराज मीना हम जाओ जाओ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राव लेडीज एंड जेंटलमैन
राजस्थान की एक ग्रामीण महिला जो अभी इस मंच पर बैठी हुई है, इसी देश की नारी है। वो भी एक परिवार की बहू है, एक पति की पत्नी है और दो बच्चों की माँ है। यही वो सांवरी देवी है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। शी इज अ विक्टिम ऑफ गैंग रेप, और वो भी इसलिए कि एक साथिन होने के नाते वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। सांवरी के साथ अन्याय हुआ है। इस देश में पता नहीं कितनी औरतें हैं, मजबूर, लाचार, गरीब, मासूम, जिनके साथ आए दिन ऐसे अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जुबान तक नहीं खोल पाते। हमें सांवरी देवी की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। Now I will request our Honorable Prime Minister to address this August gathering. श्रीमती अनिता कपूर, सावरी देवी तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, सावरी देवी के साथ किए गए अत्याचार के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठा है, इसलिए मैंने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि इस केस की सीबीआई द्वारा तुरंत जांच कराई जाए। मैं घोषणा करता हूं कि आर्थिक सहयोग के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं उनके साहस की सराहना करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करता हूँ। तुम भी कुछ कहो। मैं क्या ही बोलूं? आप सब लोगों ने खानी खम्मा थे लोग मारे वास्ते इत्तो सब क्यों? प्रधानमंत्री जी मैंने पीसा सु मदद करी, मैं एहसान मानू हूं, पर ये सब बातों सु कहीं मारी लुटियोड़ी लाज वापस आसी? मारो असली मान तो तब होसी जब अत्याचारियों ने सजा मिल सी। माने कुछ नहीं चाहिए, माने बस न्याय चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप? तुम्हें बदलाओ। फोर्स लैंडिंग इन थाईलैंड। जाना नो वंडर इट्स कैपिटल इज बैंकॉक। बैंकॉक बैंकॉक खूब ढाक लगाओ। आज कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है आज। शोभा भाभी आज शहर में नहीं है। एग्जैक्टली दिल्ली गई है देवी जी, वो सावरी देवी रेप के सिलसिले में। समाज सेवा के लिए तो घर बार पति सबको छोड़कर जाना पड़ता है। यू शुड अप्रिशिएट हर कमिटमेंट। अपने लिए तो सभी जीते हैं, वो औरों के लिए भी वक्त निकालती है। औरों के लिए भी नहीं, औरों के लिए ही। अरे समाज सेवा में पति सेवा के लिए वक्त ही कहाँ होता है? अपनी घर गृहस्थी छोड़कर झोरा लटकाए मारी मारी फिर रही है। अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में शराब के दौर चल रहे हैं? भाभी जी आ रहे हैं। सॉरी भाभी जी, वो हम तो त्रिलोक भाई को कंपनी देने आए थे। अरे अच्छा, अच्छा भाभी जी नमस्ते। अरे रुको यार। अरे नहीं, फिर कभी, फिर कभी। कर दिया ना रंग में भंग। ये क्या हरकत है त्रिलोक,
जिस ऐप को छुड़ाने के लिए मैं गांव गांव भटकती हूँ वो मेरे घर में? ये मेरा घर है प्रोफेसर त्रिलोक माथुर का, तुम्हारे लिए तो ये एक रैन बसेरा है, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम अभी होश में नहीं हो, इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। वी आर पार्टनर्स। बकवास बंद। अगर यहाँ रहना है तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, पति सेवा पहले बाकी सेवा बाद में, वरना तुम्हें अपना अलग रास्ता चुनना होगा। And that was the beginning of the end of my marriage. Men are the same wherever you go. Here we go again. Every woman's favorite pastime, male bashing. Not all men are the same. He's right, you know. Look at Sohan. He stood by her like the Rock of Gibraltar. Sonia? Sohan? कहीं बात है बापू? बीनणी ने सरकार से मोटी रकम मिली है और तुम्हाने बताया ही कौन? तो ये मैं ढोल बजाने की कहीं बात है? क्यों, ये कमाई में माँ बाप को भी तो हिस्सो है बापू। ये मैंने थारो हिस्सो है ना मारो हिस्सो? वाह बेटा, बीनणी का घाघरा सुकाई बन गो, माँ ने ही अंगूठा दिखावे। माँ ये कमाई कोई नहीं, सरकारी मदद है, सांवरी की कानूनी लड़ाई में काम आसी। देख सोहन, सागे रहना है तो हिस्सो बांट, नहीं तो तू थारे रस्ते और मैं मारे। जी हाँ, थारी मर्जी बाबू। देख लिया कर्जू का सपूत? हम लोग सीबीआई की तरफ से जांच करने आए हैं, इसमें आप सभी लोगों को सहयोग देना है। पूर्णिया गुजर, आप इस गांव के सरपंच हैं? हाँ हुकाम। इस केस के सारे अभियुक्त यहाँ मौजूद हैं? तेज करण सरजू तो जयपुर गए उड़ा है, ट्रैक्टर ठीक कराण प्रेम सुख मंडी सु बीज लावण्य गए है, मैं आजी रू और पंडा जी। राम राम। देखिए, जब दोबारा बुलाया जाए तो सारे अभियुक्त यहाँ मौजूद होने चाहिए, ये कानूनी कार्रवाई है, कोई मजाक नहीं है। हुक्म। पंडा जी। जी। ये गंगा जली है जी, यहाँ ले आइए इसे। जाइए बैठ जाइए। सांवरी देवी यहाँ आइए। इस गंगा जली की शपथ लेकर कहिए कि आपने जो भी आरोप एफआईआर में लगाए थे क्या वो सच थे? रुक रुक, ये क्या कर रहे हैं हुकुम? ये औरत तो स्वयं अपवित्र है और इसके हाथ लगाने से ये गंगा जली भी अपवित्र हो जाएगी। या बात है, तो मैं मारे छोरे रे माथे पर हाथ रख के सौगंध खाऊं कि मैं जो रपट लिखाई वह एकदम सच्ची है। पूनिया गुजर। मैं हूं। इधर आइए। काय कर रहे हो? ये लीजिए, उधर बाथरूम है, वहां जाकर इसमें अपने वीर्य का सैंपल कलेक्ट करिए। क्यों मारो फजी तो कराओ हो? 60 री उम्र हो गई, मारे गोड़ा नाराज कटे पड़ो है। ये सब क्या है? ये तो घोर पाप है, अनर्थ है, अनर्थ। मारे से ये नहीं हुआ। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, आप सबके वीरे की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जल्दी करिए। काई जांच? आता ही हो सी विराजो, कोई खास बात? बात मोटियारा सुकरण की है,
ऐसी कहीं बात है, मने बताओ। देखो समधन, बुरो मत मानी जो रहनो माने ही बिरादरी में ही है, और थारा ससुरा जी भी। समझ गई, जब सोच के आया हो तो लिपा पोती मत करो। बिरादरी को बहुत दबाव है। ब्याह तोड़नो है तोड़ दो, थारो घणो उपकार जे मारी छोरी ने मुक्ति दी। ना समझी मैं करोड़ी गलती सुधारने को मौको मिलियो। मैं चालू ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ से घिर चुके हो। अरे काय बात है, पहले ये तो बताओ, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है धारा 376 के तहत। वैसे सरपंच गावरो, तुमने मालूम को नहीं मारी पोच कटे तक है, पछताओगा। गाड़ी में डालो इसे। अरे क्यों पकड़ रहे इन्हें, थारो काय बिगाड़ो है। चलो धनराज मीणा आज तक एक इलेक्शन नहीं हारा, पूछो क्यों? क्यों सर? इन्हीं गुजरों की वजह से। ये लोग मेरा वफादार वोट बैंक हैं, मुझे इनको चाहे जैसे भी हो बचाना ही है। सर मैंने तो इनको एक बार जमानत पे छुड़वा दिया था, पर क्या है सर जी, वो सीबीआई की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। सीबीआई क्या है? क्या है सीबीआई? यहां हर चीज का तोड़ है, हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता? मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, तुम्हें पूरा करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अंडरस्टैंड? यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, मुझे बताना जज कौन बैठ रहा है। जी सर। Free justice for the poor. Free? The poor will be lucky if they get justice. Remember, justice delayed is justice denied. Excuse me, यहाँ फोटो खींचना मना है। Advocate Pratap Chauhan का ऑफिस कहाँ है? आइए मेरे साथ। सामरी देवी केस। CBI asked me to be the prosecution's advocate. I was skeptical because it looked like politically motivated move. My being a Gujar, member of the higher caste, same as the accused. Also, I wanted to know for myself if she was telling the truth. So I decided to pay her a visit. Koi gawah hai jisne ye sab dekha? मैं तो हूं वकील साहब। नहीं आप नहीं, आप इनके पति हैं। अदालत में घर वालों की गवाही कुछ ज्यादा वजन नहीं रखती। कोई और गवाह है? ऐसो कुकर्म कोई बड़े बाजार में तो होवे को नहीं, और गवाह कठे सुलावा। देखिए एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बलात्कार के मुकदमे में आपसे बड़े गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे, आप सह सकेंगी? मारे सागे जो हुयो उनसे ज्यादा और कहीं होसी, मैं डरू कोनी। वकील साहब एक बात पूछूं, वकील साहब थे गुज्जर होके मां लोगों की तरफदारी क्यों करसे हो? देखिए मैं पहले इंसान हूं बाद में गुज्जर, फिर भी अगर आप लोगों को कोई शंका है तो मैं केस छोड़ दूंगा। नहीं नहीं वकील साहब, तैयारी बात रो बुरो मत मान जो। बुरा तो मैं इस बात का मानूंगा कि तुमने घर आए को पानी भी नहीं पूछा। थे मारे घर रो पानी क्यों?
भाई बहन रे घर रो पानी ना पी सके। राम राम वकील साहब, सुनियो है आप कुमारन रो मुकदमा लड़ रहे हो? तो आप कौन है? मारो नाम प्रेम सुख गुजर है। थे तो अपनी जात रहो, पछे वा नीच जात रो क्यों साथ दे रहा हो? नीच जात मुंह काला किया था जब उसके साथ, तब उसकी जात का ख्याल नहीं आया? सारे के सारे मिलकर उस बेबस पर चढ़ गए थे, तब कहां गया था भेदभाव? इंसान जात से ऊंचा या नीचा नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। और तुम लोगों ने जैसा कुकर्म किया है उससे ज्यादा नीचता तो हो ही नहीं सकती। श्रीमान, प्रतिवादियों के वकील की हैसियत से मैं सीबीआई की इस अदालत को यह बताना चाहता हूं कि श्रीमती सांवरी देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट और महज संदेह के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत जो आरोप मेरे मुवक्किलान पर लगाए गए हैं उनका कानूनी तौर पर साबित होना अभी बाकी है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इनकी जमानत बरकरार रखी जाए। धन्यवाद। पहले तो मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि ऐसे आरोपियों को एंटीसिपेटरी बेल दी कैसे गई। दूसरे, पुरोहित महोदय ऐसे लोगों की जमानत बरकरार रखने के लिए तर्क दे रहे हैं जिन्होंने दिन दहाड़े बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है। मेरी इस बात पर ध्यान दें श्रीमान, ये लोग हैं कौन? ये लोग ऊंची जाति के प्रभावशाली लोग हैं जिनकी पहुंच सत्तारूढ़ नेताओं तक है। क्या यह संभव नहीं है श्रीमान, अपने इस प्रभाव का दुरुपयोग करके ये साक्षी को धमका सकते हैं या साक्ष्य में हेराफेरी कर सकते हैं? अदालत तथ्यों पर चलती है एडवोकेट चौहान, आपकी कल्पना। ये कल्पना नहीं है, ऐसा हुआ है और इसका मुझे निजी अनुभव है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है श्रीमान, इन क्रिमिनल्स की बेल एप्लीकेशन डिसमिस की जाए और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। दोनों पक्षों के वकील साहिबान की दलीलों पर गौर करते हुए ये अदालत मंगल पंडा, प्रेम सुख गुजर और तेज करण गुजर, जिन पर अपराध में सहयोग करने का आरोप है, की जमानत बरकरार रखने की दरख्वास्त मंजूर करती है। ये अदालत वादिनी के साथ सक्रिय बलात्कार के आरोपी पूर्णिया गुजर और सरजू गुजर की जमानत की अर्जी खारिज करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि उन्हें अदालती हिरासत में रखा जाए। सांवरी, सांवरी देवी, अठे क्यों आया हो? कई काम है? माफी मांगने आया। माफी भूल रही होवे है, पाप री कोनी? पाप का ही तो प्रायश्चित होता है सांवरी। बीती बातें भूल जा, मुकदमों वापस ले ले। सब थारे हाथ में है। मारे हाथ में? जी के छूने से गंगा जल भी अपवित्र हो जावे? भूल गया पंडा जी, मारा ताऊ जी जेल में बीमार पड़िया है, वहां पे तो तरस खा। जब मारे सागे अन्याय कियो थो तो तरस आयो थो? मारी पागड़ी थारे पगा में रखूं सामी। अठे मत रखो, भारे चौपाल में ते सब लोग पागड़ी राख के माफी मांगो, जद विचार करस्यू। यो तो सात जन्म तक नहीं हो सके। तो थे जानो? आ बात है जने मार चुदा। विनाश काले विपरीत बुद्धे। श्रीमान, प्राथमिक श्रीमती सांवरी देवी एक साथिन है, राज्य महिला विकास अभिकरण की सदस्य और सामाजिक दृष्टि से एक इज्जतदार महिला है। इनके साथ किए गए अपराध की घटना का बयान ये एकांत में देना चाहती हैं। श्रीमान, इसलिए आपसे निवेदन है
कि एक महिला की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनी श्रीमती सांवरी देवी का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड कराने का आदेश प्रदान करें। श्रीमान, सांवरी देवी एक महिला है, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन जब ये इज्जतदार महिला खुद अपनी इज्जत लुटने की फरियाद लेकर यहाँ खुलेआम अदालत में पहुंच चुकी है, तो फिर ये एकांत कैसा? जब नाचन निकसी बावरिया, तब घूंघट का क्या काम? ऑर्डर, ऑर्डर, दिस शैल नॉट बी अलाउड इन माय कोर्ट। दोनों पक्षों के वकीलों की तकरीर पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सांवरी देवी का बयान इन कैमरा यानी बंद कमरे में लिया जाए। धन्यवाद। मेहरबानी करके आप लोग बाहर पधारिए। अरे यार, ये तो सारा का सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। नहीं, अब कैसे करेंगे टाइम पास? तुसी राजमंदिर देखे? सुनिए, एशिया का सब तो चंगा थिएटर है। नहीं यार, I'm not in the mood. Let's go and have some lunch, huh? Right. चलो। हम लोग खाना खाने जा रहे थे, आप लोग चलेंगे? No, I think we better wait here. आप जाओ। Okay. सुन। बहन जी, सब ठीक तो हो सी नहीं? बेचारी अंदर एकली पड़ गई। सोन, घबराओ मत, वो बड़ी हिम्मत वाली है। सांवरी देवी, आपके साथ जब ये तथाकथित बलात्कार हुआ, तब क्या आपके डिस्चार्ज हुआ था? श्रीमान पुरोहित महोदय, एक मिनट एडवोकेट चौहान, शायद आप समझी नहीं, मैं समझाता हूँ। आपके जनाने हिस्से पर जब जोर जबरदस्ती की गई, तब क्या आपके पानी झड़ा था? श्रीमान, मुझे इस प्रश्न पर कड़ी आपत्ति है। ऐसे अश्लील और अपमानजनक प्रश्नों के ही कारण बलात्कार की शिकार महिलाएं अदालत की चौखट तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाती। मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान, न्याय के इस पवित्र मंदिर में ऐसे लज्जाजनक प्रश्न ना पूछे जाएं। श्रीमान, ये मेरे निहायत ही शरीफ और बेगुनाह वकीलान पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप का मामला है। मेरे प्रश्न का इस मुकदमे से गहरा संबंध है। इस प्रश्न का इस मुकदमे से कंटिन्यू मिस्टर पुरोहित। धन्यवाद श्रीमान। सांवरी देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप कहें तो दोहराऊं? वकील साहब, जद मेल औरत री मर्जी सु होवे तो पानी झड़े, नहीं तो खून बहवे। वो वंस पुरोहित वाज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। जस्टिस भागरी वाज सिंपैथेटिक टू सांवरीज केस, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन By the time the next court hearing came, he was replaced. As a matter of fact, during the course of the trial, 5 judges were replaced. Are you saying MLA Dhanraj Meena had them transferred? I can't say that. Well, your guess is as good as mine. Independence of judiciary is a fundamental requirement for democracy. At least our people have the right to vote. That they do. Yes, absolutely. And God knows they have exercised it often enough in the past few years. And you would think by now they would have had plenty of practice to do it right. Dr. Kumush Sharma, आप कितने समय से प्रैक्टिस में? लगभग 15 साल से। श्रीमती सांवरी देवी की ये मेडिकल जांच रिपोर्ट आप ही ने तैयार की? जी हाँ। आपने श्रीमती सांवरी देवी के जिस्म के किस हिस्से की जांच की? योनि भाग की। उसकी चौड़ाई कितनी थी? मुझे आपत्ति है श्रीमान, पुरोहित महोदय शिष्टता की सीमा लांघ रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मिस्टर पुरोहित, आप मर्यादा का ध्यान रखें, इतने ग्राफिक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जी श्रीमान। अच्छा डॉक्टर शर्मा, आप ये बताइए कि जांच के दौरान आपने क्या देखा? वहाँ किसी गहरे जख्म या चोट के निशान तो नहीं थे, कुछ हल्की खरोंचे थी, थोड़े सूखे हुए खून के धब्बे और वीर्य के दाग थे। आई सी।
लेकिन ऐसे निशान तो आम तौर पर किसी भी पुरुष का संग करने वाली महिला के गुप्तांग पर हो सकते हैं, नहीं? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। श्रीमान डॉक्टर कुमुश शर्मा के बयान से इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि श्रीमती सांवरी देवी के साथ बलात्कार की कोई घटना हुई है। धन्यवाद। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर शर्मा, बलात्कार होने के बाद किसी महिला की मेडिकल जांच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है? यही कि जांच घटना होने के बाद जल्द से जल्द करवाई जाए। और अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो क्या साक्ष्यों पर कोई प्रभाव पड़ता है? जांच में देरी होने से डिपॉजिट्स की प्रामाणिकता पर असर पड़ता है। डॉक्टर कुमुद शर्मा की बात नोट की जाए श्रीमान, जांच में देरी होने से बलात्कार के साक्ष्य काफी हद तक प्रभावित होते हैं, राइट? जी हाँ। श्रीमान, मैं अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, श्रीमती सांवरी देवी की मेडिकल जांच बलात्कार के 52 घंटे के बाद की गई। स्पष्ट है, डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट में अगर बलात्कार के निर्णायक प्रमाण नहीं है तो इसका यह कतई अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि बलात्कार नहीं हुआ है। श्रीमती सांवरी देवी की मेडिकल जांच में हुई देरी के लिए उत्तरदायी कौन है? हमारी न्याय व्यवस्था या ये भोली भाली ग्रामीण महिला? देखो जी भाई जी, पहली बार जब FIR दर्ज हुई थी ना तो उसके अंदर फटी कांचली का कोई जिक्र नहीं था। मैडम, नो मेंशन ऑफ फटी कांचली। कांचली यू नो, कांचली ब्लाउज, ब्लाउज। रिपोर्ट को कब बदला गया? वही कोई 2-1 हफ्ते बाद। अजी दिल्ली से कोई मैडम आई थी उस कुमारन के साथ, मैंने उससे पूछा, आई आस्क व्हाई यू नॉट रिमेम्बर कांचली व्हेन यू डिपॉजिट घाघरा। घाघरा यू नो, घाघरा बिग सर्किल, घाघरा बिग। तो साहब वो मैडम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई, कहने लगी ऐसी दशा में सब कुछ याद रहता है क्या? तो साहब मैंने तो उसकी कांचली जमा करके उससे पुण्य छुड़ा लिया। Would you mind showing us the amended FIR? ये कह रही है। हाँ भाई जी, मैं भी समझू हूँ, अंग्रेजी पढ़ोड़ो हूँ। मैडम केस ओल्ड, सर्चिंग फाइल नॉट इजी, बट यू कम फ्रॉम फॉरेन टू माई थाना, आई ट्राई। यू टेक टी कॉफी? नो थैंक यू, दिस इज फाइन। ओके, आई ट्राई फॉर फाइल पर्सनली फॉर यू, आई कम। Can you pass me the ashtray, Robin? Thank you. God, he is such a creep. So that's a man in drag, isn't it? Part of the Rajasthani folk tradition. Well, you know, some men cross-dress for sexual arousal. Another perversion of the West. Oh, please, Ravi. Perversion is when a girl child is killed at birth, or when a gas stove explodes in the face of a new bride because she can't bring enough dowry, or when a widow is burnt alive at her husband's funeral pyre, or when children are married off before they have the right to choose. That's perversion. Anyway, let's not get into this East-West debate. You seem to forget that I'm half Indian. This case has really got you all worked out. Dr. Harish Nigam, आप forensic expert हैं। जी हाँ। श्रीमती सावरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों की जांच आप ही ने की थी? जी हाँ, उन धब्बों का DNA विश्लेषण मैंने ही किया था। तो जाहिर है ऐसा ही विश्लेषण आपने मेरे मुवक्किलान के वीर का भी किया होगा? जी हाँ, किया था। तो क्या घाघरे पर पाया गया DNA मेरे मुवक्किलान के DNA से मैच करता था? जी नहीं।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों के निशान मेरे मोकिलान के वीर के नहीं थे? नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर इनके पति के रहे होंगे? जी नहीं, वो इनके पति के डीएनए से मैच नहीं करते थे। मतलब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वो निशान न तो मेरे मोकिलान के थे, न इनके पति के थे, बल्कि किसी और के थे। नतीजे पर पहुंचने का काम मेरा नहीं। नतीजा तो बिल्कुल साफ है श्रीमान, मेरे मोकिलान पर लगाया गया बलात्कार का आरोप सरासर बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा है। बल्कि सच तो यह है कि श्रीमती सावरी देवी के अन्य पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध रहे। ऑब्जेक्शन श्रीमान, किसी महिला के चरित्र पर इस तरह का लांछन लगाना सरासर आपत्तिजनक है। बिना किसी प्रमाण के एडवोकेट पुरोहित, आप एक काल्पनिक छलांग लगा रहे हैं जिसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। डीएनए विश्लेषण एक संभावना हो सकती है, किसी महिला के चरित्रहीन होने का निष्कर्ष नहीं। आज इस न्यायालय के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं, यदि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध हो भी, इस कारण उसके साथ बलात्कार करने वालों का अपराध कम तो नहीं हो जाता, उसके बलात्कारी अपराध मुक्त तो नहीं हो जाते? ये रिपोर्ट झूठी है, झूठी है। निगम ने पैसे खाए हैं। Sir, what do you think? Looks nice. It suits you, madam. Thank you. So how do you think the car could have got a semen stain on it? What? No, no, sorry. Not this. I'll take this. The forensic experts never gave an explanation. Well, I have one. ऑर्डर ऑर्डर, राज्य सरकार बनाम पूर्णिया गुजर, सरजू गुजर, तेजकरण गुजर, प्रेम सुख गुजर तथा मंगल पंडा केस के तमाम पहलुओं और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर गहराई से मनन करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मुकदमे में पेश किए गए तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और रिपोर्ट्स केस की पुष्टि न करके अभियोजन पक्ष के विरुद्ध बोलती है और फरियादनी के विपरीत अभियुक्तों की मदद करती है। I think the judgment is going to be biased. Order, order. जिरह के दौरान चंद अहम मुद्दे अदालत के सामने दरपेश आए हैं। नंबर एक, बलात्कार आम तौर पर नौजवानी के उफान में किया जाने वाला जुर्म हो सकता है, ढलती उम्र में कामुकता का मनोरंजन नहीं हो सकता। जज साहब, ये मनोरंजन नहीं है, अत्याचार है जो सांवरी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। This is not about sex, this is about subjugation. Order, order. नंबर दो, भारत में खासकर गांव में जातिवाद के चलते ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों को छूने तक से परहेज करते हैं। ऐसे हालात में पिछड़ी जाति की महिला से मुल्जिमान के शारीरिक संपर्क करने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, ये हुआ है, ये शोषण तो सदियों से चला आ रहा है। Exactly. ये शोषण है। Order, order. ये तथ्य भी अदालत की समझ से परे है कि एक ही प्रतिष्ठित परिवार के छोटे बड़े सदस्य खुलेआम एक ही महिला के साथ बला संभोग में लिप्त हो, यह एकदम अप्राकृतिक और घिनौनी बात है। भारतीय समाज और विशेषकर गांव की संस्कृति अभी इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी इस केस में बताई गई है। I really can't believe this, honestly. और भारतीय संस्कृति में यह संभव ही नहीं कि एक पति जो पवित्र अग्नि के समक्ष अपनी पत्नी की मान मर्यादा की रक्षा करने की सौगंध खाता है, अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार होते हुए देखता रहे और उसे छुड़ाने
या उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी ना करे। क्या? पर इस बेचारे को तो इन वैश्यों ने पकड़ के रखा था, ये लाठियों से मार मार के अधमरा कर दिया था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लिहाजा ये अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत लगाए गए अभियोगों से पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त करार देती है और उन्हें बाइजन बलि करने का हुक्म सुनाती है। मेरा साथ खड़े बात पत्रकारों के साथ आओ साहब आओ आओ जी आओ वकील साहब। मुझे माफ कर दे बहन, परसों सु कानूनी सेवा करता आया हूं, पर आज न्यायालय के फैसले सु मारो माथो शर्म से झुक गयो। ईश्वर साक्षी है, न्याय री इस लड़ाई में हर कदम थारा साथ देसु। आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। एक झूठी औरत के समर्थन में देश भर की महिला संस्थाओं ने बड़े बड़े धरने देकर लंबे लंबे जुलूस निकालकर एक झूठ को सच में बदलने की भरपूर कोशिश की, पर हुआ क्या? आज के फैसले ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये फैसला नहीं, एक भद्दा मजाक है। न्याय के नाम पर नारी जाति का घोर अपमान है जिसे हम चुपचाप सहन नहीं करेंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। We may have lost the battle, but not the war. सावरी देवी, अब आपने क्या सोचा? सोचने का ही। मैं हार को नहीं मानू। अब चल लो, भी कितनी देर है, गांव गांव से लोग भिड़ा हो रहे हैं। अपारी जीत रो जलसो है। एमएलए साहब को बंदोबस्त है, कोई मामूली बात नहीं। अरे जल्दी करो रे लुगाया, घड़ी दूर जानो है, ट्रैक्टर तैयार है। चलो आपा तो चला। हाँ। चंपा चल, काई दे रहे? माँ जी मैं को नहीं चालू। क्यों? मारो पेट दुखे थे, जाओ। अच्छा ठीक है, ख्याल रख जी। यहाँ आए हुए सब भाइयों बहनों और बुजुर्गों का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे क्षेत्र के विधायक और आप लोगों के लोकप्रिय नेता श्रीमान धनराज जी मीणा हमारे बीच पधारे हुए हैं। आदरणीय मीणा जी की प्रेरणा से ही ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है और ये मीणा जी थे जिनके प्रोत्साहन से मैं यहाँ पर बैठे हुए इन गुजर भाइयों को न्याय दिलवा सका। अब मैं आदरणीय मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ माइक पर पधारें और दूर दूर से आए हुए अपने समर्थकों को संबोधित करें। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, आदरणीय धनराज मीणा जी की, मीणा जी की। Thank you.
साहब के वास्ते एक लंबी लड़ाई जरूर लड़नी पड़ी, पर आज दूध को दूध और पानी को पानी हो गया। और मने बेहद खुशी है कि काल तक जन भाया पर बदनामी की आंगलियां उठती ही, आज बे ही जीत को सहरो बांध, गले में फूलों का हार पैर, मंच पर शान से बैठे मूछा पर ताव दे रहा है। बहुत कीचड़ उछलो है, देश विदेश में बहुत बदनामी हुई है अपने गांव की, सबरा माथा नीचा होया है, पर क्या कर सका, कहावत है रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, जब भगवान ही स्त्री रो चरित्र को नहीं समझ सके तो आदमी की काई भी साथ। काकी कटे हैं मोहिनी, तारे वास्ते दूध भी आई है। तू गई को नहीं? क्या जाती, बठे तो पापियों ने पूज रहा है, घोर अंधेर है काकी। ना भगवान रे घर देर है, अंधेर को नहीं। Savri Devi still lives in the same village, surrounded by her rapists. She's appealed for justice to the High Court. It's been 5 years, and her case still hasn't come up for hearing. Time to go. Yeah, just 1 minute. Thanks, Ravi. Thanks for everything. Don't mention it. For old time's sake. Well, you'll feature prominently in the acknowledgements. Is that it? How about a share of the royalties when your book hits the bestseller list? Well, keep your fingers crossed. In fighting her battle for justice, Samri has turned personal tragedy into triumph. From a rape victim, she has become a rape activist. She still works as a sathin and goes from village to village carrying the message of rural women's empowerment. Victims of rape from around the country come to her seeking